अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू BsCs। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग CS504 का असाइनमेंट नंबर 1। तो इसकी आखिरी डेट जो है वो 30 नवंबर 2020 है। चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट में बेसिकली आपको एक सिनेरियो दिया हुआ है, उसके बेस पे आपको एक उसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें है क्या। इसमें कह रहा है कि वी वांट टू डेवलप अ मोबाइल ऐप, हमें एक मोबाइल ऐप बनानी है लाइट वेव, ठीक है, सिनेरियो के बेस में। तो उस सिनेरियो में है क्या, तो एक एंड यूज़र होगा, ठीक है, उसको जो है उसके आसपास रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप और ब्रेकफास्ट वगैरह लंच उसको शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें किस तरीके से बना रहे हैं, तो इसमें वो क्या एनवायरनमेंट के मुताबिक जो उसके आसपास लोकेशन रेस्टोरेंट मोबाइल हो या कैफ़े शॉप हो वो उसको शो हो, ठीक है। तो हमें बेसिकली ऐप नहीं बनानी, कोडिंग नहीं करनी, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो उसमें कुछ की फीचर्स दिए गए हैं, उसको देखते हुए हमें बनाना है। तो दिस मोबाइल ऐप शुड प्रोवाइड यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस टू यूज़र टू व्यू नियर बाय रेस्टोरेंट कैफे, ठीक है, वही बात जो मैं ऊपर कह चुका हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो है सेंसर के जरिए, GPS के जरिए, एक्सेलेरोमीटर, टाइम, इसके जरिए वो जज कर सके कि वो बंदा कहाँ पे है, ठीक है। द ऐप शुड प्रोवाइड विद यूज़र विद इंटरफेरेंस फॉर सेटिंग प्रायोरिटी फॉर मील टाइम, ठीक है। ऐप जो हो वो इतनी स्मार्ट हो कि उसके जो है मील टाइम अगर वो सेट करते हैं तो उसको शो करे, जैसे कि अलार्म शो करते हैं, मिनट टाइम सेट करते हैं वैसे उसको शो करे, ठीक है, डिनर टाइम पे और मील टाइम पे, ठीक है, उसको अलर्ट दे कि आपको टाइम हो गया खाने का। फिर वो कह रहे हैं द ऐप विद कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल डिसीजन बेस्ड ऑन यूजर लोकेशन, ठीक है। आप ऐप इतनी स्मार्ट हो कि वो जो है यूज़र लोकेशन जो है कहाँ पे है वो उसको फाइंड कर सके, उसकी एक्टिविटीज़ को, ठीक है। उसके बाद द ऐप शुड बी डिटेक्टिव द पर्सन इज बिजी और फ्री, फिर वो ऐप चेक कर सके पर्सन बिजी है या नहीं, ठीक है, बिजी है या नहीं उसको शो कर सके वो, ठीक है। फिर तो थी एंड यूज़र की बात है, आप वो कह रहे हैं एडमिन को जो है वो अपना मेंटेन कर सके, अपडेट कर सके, रिपेयर कर सके, मॉड्यूल कर सके, ठीक है, इस ऐप के अंदर। फिर वो कह रहे हैं यूज़र ऑफ द ऐप कैन ओपन इंटरफेरेंस व्यूलेस सेट ये एडिट मील, ठीक है। आप यूज़र जो है इसके अंदर चेंज कर सके, एडिट कर सके, ठीक है। आप लेकिन आपने पूरे असाइनमेंट को गौर से पढ़ना है, इसमें चीज़ें हाईलाइट करनी है, उसी चीज़ को हाईलाइट करते हुए आपने चीज़ें के अंदर डायग्राम के अंदर सारी चीज़ें आपने शो करनी है, ठीक है, बहुत आसान है। आगे देख लेते हैं, आगे वो कह रहे हैं सिर्फ एक मॉडल की यहाँ पर ज़रूरत है, यू शुड यूज़ माइक्रोसॉफ्ट वीडियो और सम अदर ड्राइंग टूल, आप कोई सा भी टूल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें करूँगा माइक्रोसॉफ्ट वीजियो यही वाला, क्योंकि मैं जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाउनलोड किया था उसके साथ बिल्डन था मुझे, ठीक है। तो डायग्राम शुड बी पेस्ट, इसको करने का तरीका क्या वो हम देख लेंगे। डायग्राम आपने जो है पेस्ट करनी है, आपने ड्रॉ करनी है किसी भी सॉफ्टवेयर पर, माइक्रोसॉफ्ट वीजियो पर, उस पर, फिर आपको उसने सेव करना है जेपैक पे, ठीक है। उस जेपैक को सेव करने के बाद आपने वर्ड की फाइल में पेस्ट कर देना है, वो उन्होंने LMS में शो किया है, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन की हुई आपको, ठीक है, शुड बी अपलोडेड ऑन विल LMS, उसमें आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। आगे देख लेते हैं क्या करना है। अब चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। देखें, सबसे पहले आपने असाइनमेंट में जो है हाईलाइट कर लेना है पॉइंट, ठीक है, मोबाइल ऐप में क्या होगा, ठीक है, नियर बाय रेस्टोरेंट होंगे, कैफे होंगे, कॉफ़ी होंगी, हाईलाइट कर लें आप। मोबाइल ऐप कैन नॉट बी रेस्टोरेंट, सेंसर में क्या होगा, सेंसर में GPS होता है, एक्सेलेरोमीटर होता है, टाइम होता है, ये हाईलाइट कर लें आप, ठीक है। मील टाइम होता है, लंच, अलर्ट टाइम, से इसी चीज़ को सारा यूज़ करते हुए आप सिर्फ नाम कॉपी करेंगे, वहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। आप देखें ऐप विल भी, ऐप में क्या होता है, यूज़र लोकेशन होती है, उसकी एक्टिविटीज़ होती है, एडमिन में क्या पास क्या होता है, मेंटेनेंस के डाटा होते हैं, अपडेट होते हैं, रिपेयर होते हैं, मॉड्यूल होते हैं, सब दिया हुआ है इसमें, आप जस्ट जाके पेस्ट कर देना। आप हम देख लेते हैं, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने वहाँ हाईलाइट की और यहाँ पर आके पेस्ट कर दी हैं। अब इसमें बात हो रही है ऐप की, एंड यूज़र की और एडमिन की। तो अगर आप एक मोबाइल ऐप को देखें सिनेरियो पे, एंड यूज़र जो है यानी यूज़र के पास क्या होता है, उसके पास लॉगिन का ऑप्शन होगा, जैसे पास कोई भी ऐप होगी उसके सबसे पहले लॉगिन का ऑप्शन होगा, उसको लॉगिन करेगा, फिर उसके पास सर्च करेगा, सर्च में क्या होगा, शो नियर बाय रेस्टोरेंट कैफे, यही कहा था असाइनमेंट में, यही कहा था आसपास कैफे शो कर रहे, रेस्टोरेंट शो कर रहे, फिर वो व्यू लिस्ट ऑफ मील, जब वो रेस्टोरेंट सेलेक्ट कर लेगा उसके पास क्या होगा, उसके अंदर मील्स वगैरह होंगे, मील्स के अंदर क्या होंगे, सेटिंग होगी, प्रायोरिटीज होगी, कौन सा वो सेलेक्ट करना है, कौन सा नहीं करना, अगर वो ओके करता है उसके बाद वो उसके अंदर एडिट भी कर सकता है, एडिट करने के बाद कर सकता है चेंज शेड्यूल भी कर सकता है, ठीक है, यानी कि वही बात कि यूज़र जो है अपना शेड्यूल भी मेंटेन कर सके इसके अंदर। तो वो क्या करेगा, अपना शेड्यूल भी कर देगा, अलार्म शो कर देगा कि है नहीं है, इन सब के बाद आखिरी वो क्या करेगा, टेक डिसीजन कर लेगा, यानी फाइनल कर देगा। ये तो हो गया एंड यूज़र। इस तरीके से आप ऐप पे हैं तो ऐप क्या कर सकते हैं, अगर आप देखें ऐप के अंदर यही दिखा रहा है सेंसर वगैरह का, GPS, एक्सेलेरोमीटर, टाइम, फाइंड नियर बाय रेस्टोरेंट, ठीक है, यही सारी चीज़ें हमने मैनेज करनी है, उसको सिर्फ शक्ल देनी है, ठीक है। तो सेंसर में क्या होता है, ऐप्स के अंदर क्या होता है, सेंसर होते हैं, सेंसर से क्या होता है, GPS, एक्सेलेरोमीटर, टाइम, फाइंड नियर बाय रेस्टोरेंट, सेंसर के जरिए पता चलता है, ठीक है। अब इसको मैंने दो हिस्से में डिवाइड कर दिया है, वैसे तो ये एक ही है, सेंसर के अंदर भी चीज़ें आती हैं, इसको मैं दो यानी दो ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, एक चार का ये या चार का ये, ठीक है। अब सेंसर के अंदर सारी ये चीज़ें होती हैं, और सेंसर के अंदर ही ये होती है कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस डिसीजन, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें शो लोकेशन दिखाता है, डिटेक्ट यूज़र एक्टिव है या नहीं है, डिटेक्ट पर्सन इज़ बिजी या फ्री है, ठीक है, वो चीज़ें यूज़र क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो उसको मैंने दो हिस्से में डिवाइड कर दिया, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ज़रूरी नहीं है चीज़ें और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो आपको रिक्वायरमेंट कहा था उसके मुताबिक भी ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, बस मैंने इसको डिवाइड कर दिया। आप चाहे तो इसको इसी के अंदर भी शामिल कर सकते हैं, बीच में सेंसर और बाकी आसपास सारी चीज़ें, ठीक है। अब चलते हैं आगे, एडमिन के पास क्या
क्या होता है एडमिन के पास सिंपल आपके पास चार चीज़ें यहाँ लिखी हुई थी, यहाँ लिखी हुई है मेंटेन अपडेट रिपेयर एड मॉड्यूल, ठीक है। बेसिकली बस आपने यहाँ रखना है मैनेजर क्या करता है, एडमिन क्या करता है, मैनेज ऐप करता है क्या करता है, उसका रिपेयर करता है, एड मॉड्यूल करता है, मेंटेनेंस ऐप करता है, अपडेट ऐप करता है, ठीक है। आपने मॉड्यूल बनाना है, बस ये हो गया काम आपका। अगर आप चाहते हैं तो उसके अंदर और अच्छा करते हैं, कलर चेंज करते हैं, देख के पता चल रहा है ये ऐप का है, ये एंड यूज़र का है, ये एडमिन का है। और मैंने कुछ इसका एक्स्ट्रा काम किया, आप चाहें करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना ज़रूरी नहीं। मैंने कर दिया एक्सटेंड, एक्सटेंड में क्या होता है, लेकिन फाइंड नियर बाय रेस्टोरेंट, ठीक है। आप शो एंड यूज़र को कहाँ से शो होगा कि आस पास की शॉप कौन सी है, वो कॉन्टेक्स्ट अवे यानी सेंसर्स को डिटेक्ट करेगा फाइंड नियर बाय रेस्टोरेंट, इसके जरिए यानी लिंक है दोनों का आपस में, तो मैंने उसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अगर एडमिन अगर यूज़र लॉग इन करता है तो जैसी बात है एडमिन के पास उसके राइट्स होंगे, वो देख सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से उसको मैनेज कर सकता है, पासवर्ड वगैरह गलती वगैरह है या पासवर्ड भूल गया है, ठीक है। इस तरीके से आ गया है शो लोकेशन कैसे शो होगी, शो नियर पर कोई उसको भी इससे शो हो सकती है, दोनों आपकी मर्जी है, एक कर दें या दो कर दें, मैंने दो कर दी, यहाँ पता कोई चेंज हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिंक भी बना सकते हैं। तो ये मैंने किसमें बनाया, सिंपल मैंने आपको बता दिया, कोई वीडियो भी बनाया, ठीक है। मैंने ये ऐप यूज़ किए माइक्रोसॉफ्ट वीडियो, ठीक है। आप इसमें बनाने का सिंपल आसान है, आपने करना है कंट्रोल एम, कंट्रोल एम में न्यू फाइल आएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरी फाइल में, और यहाँ पे जाके मैंने लिखा हुआ UML, आप यहाँ आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। मेरे पास भी किसी की एक्टिविटीज नहीं है, मैं UML पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद सारे इंटरफेस मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं एक्टर आ गया, ठीक है। ये सब सिस्टम आ गया मेरा, सारा सभी मैंने करते हुए यूज़ किया है, और ये इसके मैसेज वगैरह के लाइनें आ गई, ठीक है। और इसके शेप आ गए, सारे मैंने शेप यूज़ किए हैं, फाइनल स्टडी सारे मैंने शेप यूज़ किए हैं, ठीक है। और ये मैंने ये शो में सब कुछ करते हुए मैंने ये डायग्राम बनाई है, ठीक है। तो ये आपका असाइनमेंट बन गया। आप रही बस सबमिट करवाने के, सबमिट कैसे करना है बहुत आसान है, इसको मैंने कंट्रोल एस करके मैंने सेव कर लिया, लेकिन मेरा काम पूरा नहीं हुआ। मैं सेपस में जाऊँगा, सेपस में जाने के बाद मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर भी डेस्कटॉप, और इसको नाम दे देता हूँ CS, डन असाइनमेंट कर देता हूँ, डन कर देता हूँ, ठीक है। आप मुझे यहाँ से लोकेशन चेंज करनी है, इसको JPEG में सेव करना है और सेव कर देना है CS डन लिख के, ठीक है। CS डन और मैं कर दूँगा ओके। अब मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे सबमिट में क्लिक करूँगा, ठीक है। मेरा इंटरफेरेंस आ जाएगा ऐसा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखिए इमेज पर ऑप्शन में क्लिक करूँगा और डेस्कटॉप पर जाऊँगा, CS डन के नाम से देखो ये हो गया CS डन, यहाँ से क्लिक करूँगा, यहाँ ओके कर दूँगा। देखिए मेरी सारी पूरी कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई, सब कुछ एक्यूरेट आ गया, ठीक है। एडमिन और यहाँ से जाके मैं कर दूँगा सेव, ठीक है। असाइनमेंट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, मेरा असाइनमेंट सबमिट हो चुका सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये मेरा असाइनमेंट था, तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। और काफ़ी लेट असाइनमेंट इसलिए मिला क्योंकि टाइम मुझे सिर्फ संडे को मिलता है, तो संडे को मैंने देख के मुझे मिला तो मैं असाइनमेंट बना लिया। बाकी अगर आपको असाइनमेंट जमा करवाना मुश्किल हो रही है तो काइंडली आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, या अगर आपको असाइनमेंट चाहिए तो आप मुझे मेल कर दें, मैं जल्दी से सेंड कर दूँगा। और अगर आपको सबमिट नहीं हो रहा है, कोई काफ़ी इशू हो रहा है, कुछ लोगों का असाइनमेंट सबमिट नहीं हो रहा, तो आप ग्रुप में मैसेज कर दें, मैं ऑनलाइन हूँ, मैं आपको जो है फ़ौरन सबमिट करवा दूँगा, या मैं खुद करके दे दूँगा आपको असाइनमेंट, ठीक है। आप अपनी ईमेल दे दें, मैं असाइनमेंट आपको दे दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले असाइनमेंट में, अपना बात ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।